शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश। शिप्रा में अमृत घट जलता, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने, मिला हमें वरदान यहाँ, कविता न्याय वीरता गायन, सब कुछ यहाँ विशेष है, हृदय देश का ये मैं इसका, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। शुभ का दाता सब का दाती, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश। भारत के हृदय में बता है हमारा मध्य प्रदेश, ये विंध्य, बुंदेलखंड, महाकौशल, भोपाल राज्य और मालवा से मिलकर बना है। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की उज्जैन नगरी में विराजे हैं महाकाल, तो सिंहस्थ का पुण्य यहाँ है। विंध्याचल के शिखर पर मुकुट की तरह सजा है मांडू, और चंबल की नदी दान बलिदान की गाथा गा रही है। मैयर और सलकनपुर वाली माताओं का आशीर्वाद हमारे साथ है, और हमारा सौभाग्य है कि मां नर्मदा का सानिध्य हमें मिला। राष्ट्रीय शौर्य का प्रतीक शेर की प्रचुरता ने इसे शेर प्रदेश का नाम दिया, तो अहिल्या बाई की नगरी माहेश्वर लोक कल्याण का प्रतीक है। भारत की स्वाधीनता में उठ खड़े हुए वीरों में भील भिलाला वनवासियों से लेकर क्रांति वीरों की एक लंबी श्रृंखला है। यहाँ अनेकता में एकता का रंग है, और इसीलिए मध्य प्रदेश शांति का टापू है। अरे भैया बस बस बस, अरे हम जान गए कैसा है हमारा मध्य प्रदेश, पर ये तो बताओ अब क्या है मध्य प्रदेश में? अब अरे अब तो पूछो ही मत भैया, बड़ा जब गजब है सब। अजब गजब? हाँ, न कभी सुना होगा और न ही कभी देखा होगा। अरे भैया अब पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कि क्या है खास। खास? अरे सब कुछ तो खास बना दिया है यहाँ के मुखिया ने। मुखिया से मतलब? मुखिया नहीं जानते, लो बताओ। अब तुम ही बता दो भैया। अरे भैया मुखिया मतलब अपने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। भैया ये तो हमें भी पता है। हमें भी पता है, लेकिन इसमें खास क्या है? अरे भैया खास बात ये है कि ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो प्रदेश को मंदिर मानते हैं, जनता को भगवान और खुद को मुख्यमंत्री नहीं पुजारी समझते हैं। और भैया जब से इनकी सरकार बनी है ना, यहाँ के गरीबों की तो किस्मत ही बदल गई। अरे हमारा प्रदेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मतलब ये कि जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो इन्हें मिला था एक बीमारू राज्य, इन 14 सालों में उन्होंने इसे बना दिया है चमक के साथ आगे बढ़ता विकसित प्रदेश। विकसित प्रदेश? हाँ, याद करो भैया 10 साल पहले सड़कों पे चलते थे तो दचकों के मारे सारी हड्डियां बोलने लगती थी। और अब तो पेट का पानी तक नहीं हिलता भैया। अरे पहले गर्मी से बेहाल थे, अब तो 24 घंटे बिजली मिलती है, तब वो पानी की त्राही त्राही मची थी सोलत, और अब देखो अरे नदियां जुड़ रही हैं, नर्मदा को शिप्रा में ले आए, मालवा तर बतर हो गया, धीरे धीरे ताप्ती पार्वती काली सिंध बेतवा सब जुड़ जाएंगी। अरे फिर देखना भैया पानी ही पानी होगा। अरे सरकार ने लोगों को समझाया और सिखाया कि पानी को रोको, गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में, नदी गहरीकरण जैसे जन अभियानों से अब बारिश के पहले ही सारी तैयारियां हो जाती हैं। और तो और नर्मदा सेवा यात्रा की अनूठी पहल करके करोड़ों पौधे लगवा दिए अपने मुख्यमंत्री ने। भैया ये होता है मैदान में काम करना। अरे भैया शुक्ला की लाड़ी की तबीयत बिगड़ गई है, गाड़ी नकल रखे, जल्दी से अस्पताल ले जाने की कोई व्यवस्था करो। अरे जरा सब्र तो करो भैया। अरे काहे का सब्र भैया, घर में जचकी हो गई तो आज दाई भी नहीं है गाँव। अच्छा तुम जरा रुको यहाँ पे। हेलो, हाँ 108 एम्बुलेंस, या जरा जल्दी से जननी एक्सप्रेस भिजवा दीजिए। हाँ हाँ पता है रामपुरा बाबा जी की गली टीले के सामने। हाँ जरा जल्दी भिजवाइए। क्या बोला भैया? अरे भैया चिंता की कोई बात नहीं है, तुम घर जाओ और घर जाके अस्पताल ले जाने की तैयारी करो, जब तक घर पहुंचोगे 108 जननी एक्सप्रेस पहुंच जाएगी भैया। जी भैया। अरे भैया रुको हम भी चल रहे हैं। हाँ भैया जाओ जाओ। ये लोक सेवाओं को हमारा अधिकार बना दिया है सरकार ने। हाँ अब सरकारी काम में अगर जरा भी देरी हुई तो अपने विकास खंड के लोक सेवा केंद्र में अर्जी दे दो, बस टाइम टेबल से झटपट सारा काम हो जाएगा, और जो काम में गड़बड़ी करेगा उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा। वाह भैया क्या खूब योजना बनाई है। हाँ भैया पुण्य का एक काम और किया है सरकार ने। पुण्य का काम?
वो कैसे? शिवराज सरकार ने कानून बनाकर इन वन पुत्रों की तकलीफ को दूर किया है। मतलब? अरे पहले गौरव ने कानून बनाकर इन्हें जंगल से हटाया था। इस सरकार ने पहले कानून बनाया और फिर खेती करने के लिए पट्टा देकर पक्का काम किया है। अब हमारे वनवासी भाइयों को उनकी जमीन वापस मिल रही है। ये तो बड़ा भारी काम किया सरकार ने। अरे भैया, अब तो अपने वनवासी भाई अपने जंगल का हर्रा पहरा महुआ चिरौंजी और दूसरी जड़ी बूटियां मजे में इकट्ठा करके बेच सकते हैं, और तो और जंगल के तालाब में मछली पालन करके अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। और हाँ, इन वनवासी भाइयों को काम पर जंगल में जाने में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए उन्हें चप्पल और पानी की बोतल दी जा रही है चरण पादुका योजना में। भैया, इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए 12 एकलव्य विद्यालय खुलवा दिए ताकि इनके बच्चे आनंद से पढ़ सके, और आगे की पढ़ाई का मुफ्त में पूरा इंतजाम है। और जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होंगे और खेल कूद में अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें 1,00,000 रुपए का टंटिया भी सम्मान दिया जाए। टंटिया? अपना टंटिया वो? हाँ भैया, वही टंटिया भी जिन्होंने अपनी आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को छका दिया था। सुनो सुनो सुनो, सभी गाँव में रहने वालों सुनो, अब आपको अपना गाँव छोड़कर रोजगार तलाशने नहीं जाना पड़ेगा। शिवराज सिंह सरकार ने आपके रोजगार की व्यवस्था आपके गांव में ही कर दी है। अब आपकी फसलें ले लहा उठेंगी, तालाब होंगे, पक्की सड़क होगी, पाठशाला का निर्माण होगा, मतलब गांव का विकास होगा और रोजगार का रोजगार होगा। सुनो सुनो सुनो। अरे वाह भैया, ये तो कमाल हो गया, अब हमें अपना गांव छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भैया, हमारे मुख्यमंत्री जी की योजनाओं ने सब कुछ तो गांव का पहुंचा दिया है। लो अब एक नई बात सुनो। अरे भैया, मैं तो कहता हूँ गांव का बच्चा बच्चा मेरी तरह पढ़ेगा और रोजगार भी पाएगा। वो कैसे? देखो, हमारी स्कूल की पढ़ाई मुफ्त में है, तो इस सरकार के राज में नौकरी कोई चिंता ही नहीं है। वो कैसे? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है ना। मतलब ये कि सरकार की गारंटी है, अपने हिसाब से लोन लो और अपना उद्योग लगा। उद्योग? कैसा उद्योग? अरे अपने गांव में छोटे छोटे उद्योग लगाओ, जैसे आटा चक्की, फैब्रिकेशन, साहू मराना, होटल, अगरबत्ती, मोमबत्ती, गांव में कोई भी शिल्प हो, यानी जो बना सको बनाओ। पर भैया वो तो ठीक है, ये माल बिकेगा कहाँ? भैया, गांव के हाट बाजार से लेके शहर के बेस्ती तक के सारी जगह तो सरकार ने की है। भैया यही तो चमत्कार है सरकार का कि हमारे आगे बढ़ने का पूरा रास्ता खोल दिया इसने। भैया, हमारे गांव की बच्चियों बहु बेटियों की सारी फिक्र सरकार ने की है, हम सबकी दवाई, बिजली, पानी, रोजी रोटी, मकान, सब कुछ तो गांव में ही ला दिया है। भैया सही बात कही थी भैया तुमने, अब हमें गांव छोड़ के कहीं नहीं जाना है, सारा विकास तो यहीं आ रहा है। हाँ भैया, अब तो हम ना कहीं जाएंगे और ना ही सरकार को जाने देंगे। अरे जब इस सरकार ने इतना सब कुछ किया है हमारे लिए और आगे भी करेगी तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। और भैया, हमारे मुखिया ने तो जैसा कहा था एकदम वैसा करके दिया है, और वो एकदम सही कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, मैं यहाँ का पुजारी और जनता मेरी भगवान। बिल्कुल ऐसी ही सेवा की है जनता जनार्दन की हमारे शिवराज भैया ने। लो भैया, नाम लिया नहीं और हमारे पुजारी यहाँ पे शिवराज भैया की जय। शिवराज भैया की जय। सब कुछ जैसे का तस हो भैया, ये तो बहुत जरूरी है, नहीं कोई मजबूरी भैया, ये सरकार जरूरी है, ये सरकार जरूरी है। सब कुछ जैसे का तस हो भैया और विकास का नारा।